पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम द्वारा बैंक रोड पर बासफोड़ तथा चश्मा बेल्ट लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि शहर को एवं रोड को साफ सुथरा रखने के लिए अतिक्रमण अभियान हमेशा चलाया जाता है। शिकायतें मिली है कि बैंक रोड चौराहे से विजय चौराहे तक बासफोड़ और टोपी बेल्ट चश्मा बेचने वाले दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण फैला रखा है। काफी समझाया गया लेकिन फिर भी यह अपनी दुकान लगाते गए। विजय चौराहे से बैंक रोड चौराहे तक हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहां के लोकल चौकी इंचार्ज से भी शिकायत की गई तो उन्होंने बताया कि दुकानदारों से बात करने पर झगड़ा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले 3 दुकानदारों से 2000 का चालान काटा गया। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि यह रोड बहुत ही संकरी है, कृपया करके अपनी दुकान को अपनी जगह तक ही लगाएं, रोड पर अतिक्रमण ना करें। इस अवसर पर बेनीगंज चौकी इंचार्ज आशीष कुमार चतुर्वेदी, हवलदार अशोक कुमार सिंह, राधा कुमार पांडे, एसपी शर्मा, हवलदार ओपी सिंह, मुरारी मिश्रा, कमलेश्वर सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, ये किसका है, ये किसका है, तुम इसको मड़ी हटाओ, मड़ी हटाओ, पूरा बिल्कुल उड़ा मड़ी। वो ठेले में तो यादव तो समझ में आता है, उसको छा लिया, इसी में घर बसा लिया पूरा, तुम लोग ने पूरा रास्ता कर लिया। अब छोड़ दो, भूल जाओ। एडी स्कूल के सामने है, एक भी शिकायत चौकी इंचार्ज साहब ने बताई बताऊंगा। इधर आए पास वाले, इसका कितना करे साहब? नहीं समझे नहीं, आप मेरी बात सुनो। मोबाइल हटाइए, मोबाइल हटाइए भैया, भैया चलो इधर दिखाओ, दिखाओ अतिक्रमण में लिखो, अतिक्रमण में लिखा, अतिक्रमण नहीं तो मैं बेटा अतिक्रमण में पंडित जी मैंने बोला था अतिक्रमण में लिखने के लिए, अतिक्रमण उसमें लिखा, उसमें लिखा कि नहीं, उसमें भी लिखो अतिक्रमण, अतिक्रमण लिखो। कुछ नहीं, आवाज नहीं, नहीं लगाओ यहाँ पे, पेंट करो पहले, सीधा आप बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे, रसीद दिखाओ, रसीद पकड़ो, पकड़ो रसीद और दिखाई, क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश कुमार। आपका दिमाग ठीक रखना, पता पहले बता रहा हूँ मैं, बराबर जल्दी बोल दो।
ये अभियान हम लोग रूटीन चलाते रहते हैं। एक शिकायत आई थी कि ये बांसफोड़ से लेके यहाँ तक जितने भी ये बैंक रोड पे हैं, ये बिल्कुल व्यस्ततम सड़क है शहर की, उसमें भी ये बांसफोड़ प्लस यहाँ पे कुछ नोट वाले हैं, कुछ चश्मे वाले हैं, कुछ और हैं। इन्होंने एक बार पहले सीएम साहब का विजिट था, हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से इनको खाली कराया था और इनको हम लोगों ने बोला था कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। रीज़न क्या, सबसे शहर की सबसे व्यस्तम रोड ये है। अब ये क्या करते हैं, एक जरा सा लगाते पूरी आधी सड़क घेर लेते हैं, उसमें पब्लिक को तंग होती है, कभी पब्लिक के उसमें सर में लगता है उसका जो छप्पड़ है और कभी कुछ होता है, और ये इतना जाम की हमेशा समस्या रहती है। तो लोकल चौकी इंचार्ज साहब है, इन्होंने भी हमें शिकायत की थी, सीओ कोतवाली साहब ने भी शिकायत हमें की थी कि साहब यहाँ पे ये सुनते नहीं है और जिसके बाद झगड़ा करने को जाते हैं, जैसे बांसफोड़ है ये हमेशा बिल्कुल झगड़ा करने को तैयार होते हैं। तो आज मैंने सख्ती से सब हटवा दिया और मैं चौकी इंचार्ज साहब हमारे साथ में, इनको बताएगा दोबारा ये करते हैं, आप हमें बुलाइए, मैं अपनी टीम के साथ में लगा सामान जब्त करेंगे। चलान काटा हमने भी करीब नोट वाले थे उसमें करीब दो तीन और एक दो तीन अतिक्रमण, तो अतिक्रमण में 2000 रुपये का मैंने चलान किया है। मैंने वार्निंग बड़ी सख्ती से दी है क्योंकि पहले हम बड़ी मेहनत लगती है अतिक्रमण हटाने में, आए दिन अब अतिक्रमण हटाते हैं और फिर दोबारा लगा लेते हैं, उससे क्या पब्लिक परेशान हो जाती है। चौकी इंचार्ज साहब प्यार से समझाते हैं, वो प्यार से समझने नहीं है, अगर कुछ बोल दें तो झूठा मूठा आरोप पुलिस पे आ जाएगा कि आपने ये बोला आपने वो किया। ठीक है, इसीलिए आज हमें मेरे को जैसे सूचना मिली मैं अपनी टीम के साथ में आया और मैंने उसको हटवाया है और दोबारा एक करेंगे, मैं सामान ढोके लेके जाऊंगा लगाने में। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील इन लोगों से कि ये अपने बिल्कुल यहाँ पे ये रोड बड़ी बड़ी सक्रिय है, ये व्यस्ततम रोड है शहर की, इस पर बिल्कुल अतिक्रमण नहीं, बिल्कुल लगेगा नहीं, और अगर साहब ने बोला यहाँ दिखना नहीं चाहिए मेरे को अतिक्रमण।